भिवानी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने जनसंवाद कार्यक्रम की श्रृंखला के तीसरे दिन पहुंचे तो शाम दुलहेड़ी, संडोवा और केरू गांव, लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही उनका निपटान भी किया। भिवानी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने जनसंवाद कार्यक्रमों की श्रृंखला के तीसरे दिन भिवानी जिले के तोशाम, दुलहेड़ी, संडवा और केरू गांव में पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुन चुके हैं और साथ ही उन्होंने मौके पर ही उनका निपटारा भी किया है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति के 70 लोगों की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया है और अपराध और नशा बेचने संबंधी क्रियाकलापों को अंजाम देने वाले 6202 लोगों पर कार्रवाई भी की है। ऐसा इसलिए हुआ है ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हो सके और साथ ही नशाखोरी पर अंकुश लगे। सीएम ने आगे कहा कि नशे और गंभीर अपराधों से जुड़े व्यक्ति आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने साल 2000 में महाराष्ट्र में बने मकोका कानून की तर्ज पर हरियाणा में भी पिछले विधानसभा सेशन में हकोका कानून लाया। ऐसा इसलिए हुआ ताकि गंभीर प्रवृत्ति के आपराधिक लोगों को कानून के शिकंजे में जकड़ा जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि इस कानून के तहत पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से पहले छूटना आसान नहीं है। जो हमारे ये जो गैंगस्टर थे, ये नशे की कार्रवाई करने वाले, ये जो व्यापार करने वाले, 70 अवैध संपत्तियां, क्योंकि बिजनेस करते व्यापार करते बहुत पैसा कमाते, इनकी 70 अवैध संपत्तियां उनको ध्वस्त किया, उनको तोड़ा, उन्होंने और इसी प्रकार 6200 लोगों को गिरफ्तार किया। ये जो गैंगस्टर हैं और जो दवाई का इसका धंधा करते हैं नशीली चीजों का, 6200 लोगों को गिरफ्तार किया, क्योंकि इन लोगों के बहुत ऊपर तक तालमेल बने हुए हैं, यहाँ तक आतंकवादी गतिविधियों में भी ये लोग शामिल रहते हैं। आप लोग तो हमको इनकी सहायता किया करो, जानकारी दे दिया करो, उसको जानकारी दोगे तो हम सख्ती से डील करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री ने तोशाम में पंजाबी धर्मशाला के भवन का उद्घाटन किया, गांव दुलहेड़ी में नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया। वहीं तोशाम थाने में सीएम ने अचानक निरीक्षण कर थाने के रिकॉर्ड की जांच की है और इस दौरान ही थाने के रखरखाव और साफ सफाई बेहतर होने के चलते सीएम ने पुलिस कर्मचारियों की सराहना करते हुए थाने की बेहतर व्यवस्था पर खर्च करने के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की। सीएम ने आमजन की सड़क, गली, आयुष्मान कार्ड, चोरी की समस्याओं और तोशाम के खनन क्षेत्र में प्रदूषण की समस्याओं को सुना और साथ ही अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि कोरोना के केस फिर से बढ़ने लगे हैं, ऐसे में सावधानियों को बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 100 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर मास्क का प्रयोग करने के आदेश दिए हैं। वो जल्द ही कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग करेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने बैठक के विचार किया है कि थोड़े केसेस भी यहाँ बढ़ रहे हैं, हमें सावधानियां फिर से बरतनी पड़ेगी। बल्कि हमारे होम मिनिस्टर ने तो स्वास्थ्य मंत्री ने तो एक बयान भी दे दिया कि 100 से ज्यादा लोग अगर हो तो फिर मास्क लगा के बैठा करो। अब हो सकता है कि उनमें तैयारी करके उस सारे का जायजा लेंगे, नोटिफिकेशन करेंगे, अगर कई चीजें आगे बढ़ती नजर आई तो फिर सावधानी बरतनी पड़ेगी। कहते ना, सावधानी हटी। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे सुशील और भीष्म ने यह बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याओं को रखा। उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उनकी समस्याओं को जल्द हल करेंगे। और मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था, ये मेरी एप्लीकेशन उन्होंने ले लिया है। यहाँ तो शाम गांव में गैर मुमकिन जोड़ की जमीन पर सरपंचों ने कब्जा करा रखा है, जो सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर होने के बाद में यहाँ स्थानीय कर्मचारी अधिकारी उम्मीद करते हैं समस्या का कार्यक्रम अच्छा रहा। मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने सभी से जो शिकायतें थी उनकी शिकायतें ली और शिकायतें लेने के बाद में सीएम साहब बोले भी सभी का जो भी दिखते होंगे वे सभी के सोल्यूशन में निकलवा दूंगा। नहीं सर, संतुष्ट तो हमें बोलने ही नहीं दिया गया सर। वहाँ पे सीएम साहब ने यहाँ आए और मौके के ऊपर बोले भी जो भी है अपना दे दो मेरे को, हम कर देंगे। बाकी कुछ तो समस्याएं तो ऐसी थी, मौके अधिकारी गण थे यहाँ पर मौके के ऊपर, उनसे सारी बातें हो जाती।
बहरहाल सीएम अपने जनसंवाद कार्यक्रमों में कुछ लोगों की समस्याओं का मौके पर निपटारा कर चुके हैं। टोटल न्यूज के लिए अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।